काफ़ी अच्छा हमने व्यू लिया है अभी आम के बागों का, काफ़ी हमको मज़ा भी आया है। हम बैठे हैं गाड़ी में, अब वापसी, अब दिल्ली के लिए निकलेंगे। उनके बाग बहुत खूबसूरत हैं, हम मन भी नहीं करता जाने का, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा दिल्ली। देखो दोनों गाड़ियां लगी हैं, अब दोनों गाड़ी से जाते हैं, रोड काफ़ी फिसलता है। चलिए हम चल रहे हैं, अब बैठते हैं गाड़ी में। तो देखिए भाई, हम जा रहे हैं, अब ये जो भैया जा रहे हैं आगे, एक ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहन के, नीली, तो ये रास्ता दिखा रहे हैं, नया रास्ता। हम किसी दूसरे रास्ते से आए थे तो वहाँ गाड़ी फिसल रही थी ज़्यादा, तो ये नए रास्ते से जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट, देखो आगे आगे जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी उमस है आज ज़्यादा ही, तो यहाँ से लेफ्ट जा रहे हैं अब, और ये नया रास्ता है हमारे लिए, ये शॉर्ट भी पड़ता है और थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे हम ऐसे। आम काफ़ी नीचे तक है, ये देखिए आम बिल्कुल एकदम सर के ऊपर आएगा ये। हाँ, तो हमारे ये भैया ने उठाया, टहनी उठाई है, ये देखिए कितना फला हुआ है आम, तीन 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 तीन, ए बाप रे बाप, चला गया चला गया। चलिए तो गाइस चलिए आगे, कभी देखिए ऐसे निकलेगी नहीं गाड़ी, निकल जाएगी, थोड़ा बीच का वो कर दो खड्डा, चलो कर दो भैया साहब, टायर टायर पे कर दो बाबू, टायर तो गहरे है ना, बीच में घसट जाएगी ना, इसलिए बीच बीच में मारो खाली, बस हाँ निकल जाएगी। तो गाइज आपको आने वाला है मज़ा, क्योंकि हम जा रहे हैं खेतों के बीचों बीच से, रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी टफ है गाड़ी के लिए। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए, चारों तरफ ही हो रही है खेती, और फ़िलहाल हम आए हैं आमों के बाग से, और जो भैया जा रहे हैं वो रास्ता दिखा रहे हैं, ये शॉर्ट रास्ता है, और जिससे आए थे वो लंबा था काफ़ी, और ख़तरनाक भी था, इससे ज़्यादा ख़तरनाक था। चलिए आगे का व्यू देखिए। गाइस फिलहाल बजने वाले हैं 3 दिन के, और आप बादल देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही हो, और लेफ्ट साइड में आप देखो धान की खेती, कितनी खूबसूरत धान की खेती हो रही है, और हम इसलिए जल्दी निकल आए क्योंकि बारिश हो जाएगी तो गाड़ी नहीं निकल पाएगी। तो चलिए कितना सुंदर व्यू है आसमान का, देखो एकदम काले बादल, जैसे बारिश होने वाली है। काफ़ी टफ रास्ता है, भैया रास्ता दिखा रहे हैं, यहाँ से हम उतार रहे हैं नीचे गाड़ी, वह काफ़ी ख़तरनाक लग रही है, लेकिन गाड़ी ये निवर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फॉर्चुनर ये आ रही है, देखिए आ रही है गाड़ी, धीरे धीरे ला रहा है बेचारा वो, काफ़ी क्योंकि उस 4x4 नहीं है वो, और वो फिसलती भी है ज़्यादा, और राउंड मारती है धूल मिट्टी में, और क्योंकि गीली ज़मीन है तो राउंड मारना जायज़ सी बात है। तो चलिए सामने का भी देखिएगा, फ़िलहाल वो गाड़ी पीछे पीछे आ रही है, देखिए आ गई नीचे उतर आई, और आगे वाली में मैं बैठा हूँ, मैं चला रहा हूँ आगे वाली गाड़ी। तो चलिए भैया भी आ रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, और ये देखिए धान के खेत लबालब भरे हुए हैं पानी से, काफ़ी काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी अच्छा लगता है, गांव की बड़ी याद आती है। ये देखिए पानी भरा हुआ खेतों में धान की खेती हो रही है, यहाँ से हम होंगे लेफ्ट, ये किसान खड़े हुए हैं, किसान भाई, ये देखिए ट्यूब वेल चल रहा है पानी का, ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है, और आगे एक बाइक खड़ी है, वो बाइक हटाएंगे तभी गाड़ी निकलेगी। ये देखिए ट्यूब वेल कैसे चल रहा है, धानों से पानी इसी ट्यूब वेल से दिया जाता है, खेत भर जाते हैं लबालब। तो चलिए फ़िलहाल हम जा रहे हैं आगे की ओर, और हमारे साथ सर भी बैठे हुए हैं, काफ़ी मज़े आ रहे हैं उनके भी, काफ़ी अच्छा लग रहा है उनके साथ समय बिताना, अच्छा लग रहा है, एक सीनियर ऑफिसर हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो भाई किसी के गांव में आओ तो कितनी खुशी होती है गांव वालों को, देखो कितनी जल्दबाजी में साफ़ सुथरा कर रहे हैं रोड, और गाड़ी काफ़ी आवाज़ कर रही है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कीचड़ था, और हरे भरे खेत धान के लबालब पानी से भरे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए गाड़ी कितनी सुंदर दिख रही है यहाँ से, काफ़ी सुंदर व्यू है, और खेत हरा भरा है धान का, लबालब पानी से भरा हुआ है। तो फिलहाल हम पहुँच गए हैं बाहर की ओर, दिखा देख रहे हैं मकान वगैरह आ गए यहाँ पर, और शहर में हम ये लोग पहुँच गए शहर में, ये देखिए बाज़ार वगैरह दुकानें वगैरह, शहर में अलग ही व्यू दिखता है, गाँव का अलग दिखता है। तो चलिए गाइस फिलहाल हम चल रहे हैं आगे की ओर, ये देखिए आ गया है हाईवे, छोटा हाईवे, इससे आगे हम जाएंगे तो बड़ा वाला हाईवे मिलेगा, लेकिन आप व्यू देखिए गाइस कितना सुंदर, साफ़ सुथरे रोड, एकदम आपको दूर दूर तक सन्नाटेदार रोड है, टफ रोड है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको ड्राइविंग करते वक्त। ये देखिए काले बादल, आसमान नीला एकदम दिख रहा है, साफ सुथरा, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन नहीं है, काफ़ी खूबसूरत व्यू लग रहा है यहाँ पर। चलिए चलते हैं आगे की ओर, आप लोग इन्जॉय कीजिएगा। फिलहाल गाइस आगे आने वाले गढ़गंगा ब्रज घाट बोलते हैं जिसे, गढ़गंगा भी बोलते हैं, और दिल्ली से अक्सर लोग बाग यहाँ पे गंगा स्नान करने आते हैं। देखिए कितना बादल, कितने खूबसूरत हैं, और रोड ये जो पुल है इसके नीचे जो है ब्रज घाट है,
गड़गंगा इसी को बोलते हैं गाइस, काफ़ी लोग नहाने धोने आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे, पार करते ही टोल से पहले मिलेगा शिवा ढाबा, वहाँ पे हम अक्सर आते हैं तो वहीं पे खाना वाना खाते हैं। तो चलिए चलते हैं शिवा ढाबे पर। हम आ गए हैं शिवा ढाबे में, यहाँ पे खाना वाना खाएंगे। चलिए चलते हैं। अरे काफ़ी उमस वाली गर्मी है भाई, यहाँ पे खाना पीना खा के फिर चलेंगे दिल्ली। अब आए भाई पूरा ड्राइवर साहब, आ जाओ आ जाओ। काउंटर है भाई, खाना वाना हमने खा लिया है अंदर। तो भाई फिलहाल खाना वाना खा लिया है, बाहर निकल आया हूँ, अब बस चलेंगे कुछ देर में। खाना पीना खा लिया है हमने। ये गड़गंगा से गड़गंगा पार करते ही ये है शिवा टूरिस्ट ढाबा। चलिए चलते हैं दिल्ली की ओर। चलो भाई चलते हैं अब दिल्ली वापसी, गर्मी बहुत है, बैठा ले भैया। सॉरी, काफ़ी बताओ कितनी मतलब उमस है, आप यकीन करो यहाँ बारिश हुई है सुबह 8 बजे फिर भी इतनी गर्मी है। चलिए चलते हैं दिल्ली, जो भी व्यू होगा गाइज। आप तो पहली बात तो आप देख रहे से ब्लॉग जो है हमारा है आमों का है, आम की खुशबू आ रही है गाड़ी में, पूरी लोड है पेटी में बाहर। चलिए आ रहे हैं साहब, और एक वो गाड़ी है, वो साहब जी भी आ रहे हैं, ये देखो आ रहे हैं, बैठेंगे गाड़ी में अभी। ये गाइज हम सीधा नोएडा पहुंच चुके हैं, और ये देखिए कितनी ऊंची काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, और यहीं से हम जाएंगे सेक्टर 63 होते हुए और सेक्टर 30 जाएंगे यहाँ से सीधा, तो वहाँ तक कभी आपको दिखा देंगे गाइज। सांड कैसे खड़ा हुआ है, बाय बाय सांड। हमने सर को छोड़ दिया है नोएडा में, अब हम जा रहे हैं भाई, ऊँची ऊँची बिल्डिंग देख रही है मेरे को। चलिए चल रहे हैं अब, काफ़ी खूबसूरत है भाई इमारत, और रोड भी अच्छे बन गए हैं यहाँ पर। करना है यहाँ से यूटर्न, ये यूटर्न का बन गया, देखो कितना साफ सुथरे रोड है एकदम। यूटर्न कर लिया हमने, चलिए चल रहे हैं आगे की ओर। देखिए गाइस कितना सुंदर व्यू है नोएडा का, फ्लाईओवर के नीचे कितनी कलाकारी की गई है, पेंटिंग की गई है, कितनी सुंदर है, भव्य सुंदर। ये देखिए पूरे फ्लाईओवर पे है, पूरे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहीं तक है, काफ़ी लंबा फ्लाईओवर है। चलिए ये यहीं पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये फ्लाईओवर काफ़ी लंबा है। भी नोएडा आता हूँ, बेहद खूबसूरत नोएडा, साफ सुथरा नोएडा, मन खुश हो जाता है एकदम जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ। काफ़ी अच्छे रोड हैं, चौड़े चौड़े रोड हैं, हर तरीके साफ सुथरा है, और आता रहता हूँ मैं नोएडा में। चलिए इतना साफ सुथरा रोड है, आगे जहाँ बत्ती दिख रही है आगे वहाँ से दिल्ली लग जाएगा। देखिए ये व्यू है आपको नोएडा का, काफ़ी खूबसूरत हरा भरा, दोनों साइड काफ़ी चौड़े रोड हैं, ये देखिए काफ़ी चौड़े रोड, काफ़ी मैदान है और काफ़ी चौड़े रोड भी हैं, तो इसलिए ट्रैफिक नहीं होता। चलिए दिलते हैं अभी। नोएडा का बॉर्डर यहाँ तक, यहाँ से दिल्ली लग जाएगा आगे। ये देखो लिखा है पुनः, ये देखिए हम इंटर हो गए हैं दिल्ली में, अब हम दिल्ली में एंटर हो गए गाइस। ये सामने लिखा हुआ है स्वागत, ये लिखा हुआ है सामने दिल्ली में आपका स्वागत है। चलिए गाइस तो हम फिलहाल आ चुके हैं अपनी दिल्ली में, आ गए हैं अब दिल्ली के बाद ये मयूर विहार कल्याणपुरी सर हैं कॉलोनी जो है, देखिए ये रेड लाइट है। इंटर हो गए हैं की भरमार इलेक्ट्रिक बस।
कि गाइस दिल्ली में आते ही ट्रैफिक का काफ़ी सामना करना पड़ता है, काफ़ी ट्रैफिक है, देखिए कितना ट्रैफिक है, काफ़ी ट्रैफिक है गाइस। चलिए गाइस फिलहाल आपको ये तो मानना पड़ेगा दिल्ली में काफ़ी सुंदर बसें हैं, मैं तो कहता हूँ हर स्टेट में ऐसी चल जाए, एसी नॉन एसी काफ़ी बसें हैं, एक के पास एक बस आप अभी देखोगे, ये देखिए ब्लू बस आगे पीछे आ रही है, ग्रीन आ रही है, देखिए ग्रीन बस भी आ रही है, काफ़ी ट्रैफिक है, इन बसों के लिए काफ़ी चौड़ा रोड चाहिए, खुला रोड चाहिए। देखिए बस फिर दोबारा गई है, एक बस एक और आ रही है रेड कलर की, जो कि एसी होती है, फुल एसी, ये देखिए कितनी सुंदर है, ओहे क्या बात है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा व्यू लिया मैंने, ये काफ़ी ट्रैफिक है, काफ़ी शोर भी है। ये देखिए फिर ग्रीन आ रही है और आपको आगे मिलेगा तिरंगा, ये देखिए ग्रीन कलर की बस है, काफ़ी सुंदर बस है, और ये आ गया आगे तिरंगा, कितना सुंदर लग रहा है, देखो सूर्य ऊपर है और तिरंगा भी है। तो चलिए गाइस आगे गाजीपुर के से हम जा रहे हैं अपने पीर भैरव, ये पुल बन रहा है यहाँ पे कहीं के लिए, नया रास्ता है ये भी। जय हो मेरे बाबा, एक दिन सबको यहाँ आना है। चलिए गाइस तो फिलहाल मैं दिल्ली पहुँच गया हूँ, ऐसे ही खूबसूरत ब्लॉग के साथ फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भैंसें वगैरह जाते हैं, ऐसे लोग बाग दूध ले जाते हैं।